हेलो गाइस, स्वागत है सभी का पीसी वाले यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम शोकेस करने वाले हैं कुछ सेटअप्स जो हमने दोबारा से चुने हैं। यानी पांच सेटअप्स मैंने अपनी पुरानी वीडियो में शोकेस किए थे आप लोगों के, जो आपने इंडियन सेटअप वॉर्स के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए अपने कुछ भेजे थे, तो उनमें से पांच मैं शोकेस कर चुका हूँ। पांच जो है मैं आज की वीडियो में शोकेस करूंगा। तो अगर आप अपना सेटअप को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे खतरनाक सेटअप मैंने आखिरी के लिए बचा के रखा है, तो अगर आप सबसे खतरनाक सेटअप देखना चाहते हैं तो या तो वीडियो को लास्ट में स्किप कर दीजिए या फिर स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिए, ताकि आप वीडियो के एंड में सबसे खतरनाक सेटअप देख पाएं। तो उससे पहले गाइज मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप लोगों का, मतलब जिन लोगों ने इतने तहे दिल से, इतनी शिद्दत से जो हमारे सेटअप वॉर्स वाले इवेंट में पार्ट लिया और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के पीछे हमारे कुछ स्पॉन्सर का बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें कि AMD, तो जॉन्सबो, चिपट्रॉनिक्स, रेड गियर, GameDIS, विंडोज खरीदने आपको तो अपनी genuinekey.in, जिसका कि मैंने रिव्यू किया हुआ है genuinekey.in का, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सारे ब्रांड जो है अपने स्पॉन्सर है और इन्हीं की वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ है, तो मैं इन ब्रांड्स को एक बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद बोलने के बाद अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो गाइस, जो वीडियो हम मैं आज दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं कहीं भी ये मतलब नहीं है कि जो मैं शोकेस कर रहा हूँ ये जो है विनर्स हैं, ऐसा नहीं है। विनर्स आपकी अगर एंट्री वीडियो में नहीं दिखाई गई है तो आप भी तब भी विनर हो सकते हैं। ये बस मैंने कुछ सेटअप चुने हुए हैं। आप सेटअप्स देखो, बहुत सारे हमारे पास आए थे, हमने जितने भी सेटअप आए थे आपस में सबको डिवाइड कर लिया कि ये भाई ये इतने तेरे हैं, ये ले इतने तेरे हैं। हम सात यूट्यूबर्स लोगों ने हमने अपने सेटअप्स डिवाइड कर लिए। तो अब ऐसा मत मैसेज करो कि भाई मेरा सेटअप क्यों नहीं दिखाया आपने वगैरह, क्योंकि हो सकता है वो मेरे पास ना हो, किसी और के पास हो या किसी और के पास हो, और उसको आपका सेटअप मतलब उसे बाकी जो उसके पास सेटअप्स हैं उनके मुकाबले आपका सेटअप दिखाने में उतना अच्छा ना लगा हो या कुछ भी हो, वो पर्सनल रीजन। ठीक है, शोकेस कर रहे हैं बस, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीतोगे नहीं, जीत सकते हो आप। ठीक है, भले आपका शोकेस ना किया हो, चिंता मत करो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली एंट्री से, जो कि आ रही है ब्लड मास्टर 728 की तरफ से। इनका जो सेटअप है ये बहुत बहुत प्यारा सेटअप है। अगर एक बजट सेगमेंट में देखा जाए तो इन्होंने रेड थीम को मद्देनजर रखते हुए सेटअप बनाया, पूरा सेटअप इन्होंने रेड थीम के आसपास बनाया। इनकी जो टेबल है इसके साइड में ये ग्लास है, तीन साइड से ये ग्लास से कवर्ड है, जो कि इनके सेटअप को बहुत ही खूबसूरत बनाती है क्योंकि ये ग्लास से कवर्ड है। और इन्होंने रेड गियर का मेंटा जो कॉम्बो आता है, जिसमें माउस, कीबोर्ड और हेडफोन आता है, वो यूज़ किया हुआ है। इनके स्पीकर्स आप देख सकते हैं जो कि रेड कलर के हैं। इनका कैबिनेट जो है उसमें रेड LED है। इन्होंने जो अपना वॉलपेपर, मतलब वो जो चार्ट पेपर से अपने सेटअप को कवर किया है, वो पूरा रेड किया हुआ है। ठीक है, इनके पास जो कैबिनेट है उसके अंदर इन्होंने रेड LED लगाई हुई है, या फिर शायद उसके अंदर इनबिल्ट रेड LED है। ठीक है, इनके पास जो पावर सप्लाई है वो सर्कल की है, एक हार्ड ड्राइव है नॉर्मल सी जो इनके पास है, AMD का ही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत प्यारा इनका सेटअप है। ठीक है, तो हालांकि इन्होंने अपने बेंचमार्क्स वगैरह नहीं दिखाए हैं सेटअप में, जो कि मैं इन्हें कहूँगा कि भाई दिखा देते तो ज़्यादा मज़ा आ जाता अगर आप अपने बेंचमार्क्स वगैरह दिखाते। आयरन मैन के फैन लगते हैं ये, और सामने से इन्होंने अपना जो सेटअप है उसमें कुछ ये सब लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का, वो लोगो बना के, और अपना जो भी इनका गेम में जो ये नाम यूज़ करते होंगे @THERO, द हीरो या थीरो जो भी है, ठीक है, जो भी इसे बोलते हैं, वो इन्होंने वो किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप है भाई आपका, आपने लेकिन बेंचमार्क्स वगैरह नहीं, कुछ भी सिनेबेंच वगैरह कुछ भी आपने भेजा नहीं है। अगर आप वो भेज देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम जज करेंगे। सिनेबेंच वगैरह के स्कोर के बिना तो हम जज कर नहीं पाएंगे कि आपका सेटअप बाकियों के मुकाबले कैसा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ, जो कि आ रहा है हेमंत हर्षित भाई की तरफ से। इनका जो सेटअप है, इनके पास जो इन्होंने सबसे पहली एंट्री दी है वो 3D मार्क की दी है, जिसमें इनका स्कोर आता है 2550, यानी 2550। ठीक है, इनका जो कैबिनेट है वो कूलर मास्टर का है, नॉर्मल सा, इतना कुछ खास है नहीं। सीने बेंच में इनको CPU की तरफ से मिलता है 572 CB का स्कोर, और ओपन GL पे मिलता है 108.0 यानी 0.74 का स्कोर। ठीक है, और इनके पास जो CPU है वो है अपना लेटेस्ट कॉफी लेक का i3 8100, चार कोर चार थ्रेड्स के साथ आने वाला है CPU। ठीक है, कॉफी लेक पे बेस्ड इनका है, और ग्राफिक कार्ड के नाम पे इनके पास है NVIDIA का GTX 1050 Ti, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि इनका जो है स्कोर जो है, ये हमने इनको 3D मार्क फायर स्ट्राइक का बोला था, लेकिन इन्होंने टाइम स्पाई का स्कोर दिया हुआ है। पर चलो कोई नहीं भाई, तुमने टाइम स्पाई का दे दिया, पर फायर स्ट्राइक का बोला था हमने असल में स्कोर देने को, पर चलिए भाई कोई नहीं। अगर आपकी मैं केबल्स की बात करूँ तो भाई केबल्स आपने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी है, वो एफर्ट मुझे दिख रहा है। आपने बांधा हुआ है केबल्स को, कहीं पर जिप टाई भी मारी हुई है, नीचे पे VS 450 आप यूज़ कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन
आपके जो कैबिनेट है इसमें ज़्यादा केबल राउटिंग की स्पेस नहीं है, आपका मदरबोर्ड काफ़ी छोटा है साइज़ में, तो बहुत सारा एरिया बच जाता है कैबिनेट के अंदर जहाँ से केबल्स दिखेंगी। आपने कोशिश बहुत अच्छी करी हुई है, लेकिन फिर भी अगर केबल मैनेजमेंट आप एक कोई मोटा सा कुछ एक जो आपकी मेन नॉर्मल सीपीयू केबल या फिर कोई जो नॉर्मल 24 पिन केबल होती है उसके चारों तरफ लपेट के आप अपनी जो पतली पतली फ्रंट आयो की केबल्स हैं उनको लेके आते तो वो थोड़ा बहुत दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी तो आपका कैबिनेट में जो है मुझे ज़्यादा धूल वूल तो दिख नहीं रही है पावर सप्लाई के ऊपर के छोड़ के, तो काफ़ी अच्छे से आपने मेंटेन किया हुआ है क्योंकि आपके कैबिनेट के ऊपर पंखे लगते नहीं है तो कवर्ड है इसलिए ज़्यादा धूल है नहीं। बाकी काफ़ी चमक रहा है आपका पीसी, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था इनका पीसी का कैबिनेट वगैरह, और ये है इनका पीसी के स्पेक्स वगैरह जिसमें कूलर मास्टर का वो कर रहे हैं और हेडफोन वगैरह भी है इनके पास काफ़ी बढ़िया बढ़िया गेमिंग वाला रेड गियर का है। ठीक है, जो कि हमारे स्पॉन्सर भी हैं इस वीडियो में, इनके पास रेड गियर का ही हेडफोन है। तो रेड गियर का ये ना, पता नहीं भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी सी झलक दिखी मुझे आपके हेडफोन की, शायद क्या पता कॉस्मिक वाइट का भी हो, मुझे रंग से कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये थी इनकी एंट्री, अब जाते हैं हम लालू नंद महे ऐसे करके इनका कुछ नाम है, सॉरी लालू भाई अगर मैंने आपका नाम गलत बोला तो। ठीक है, तो इनके पास जो सीपीयू है बहुत ही पुराना, शायद इन्होंने पोटैटो पीसी में अपना सेटअप दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके पास है अपना इंटेल का कोर 2 क्वाड Q6600। ठीक है, 65 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना है बेचारा इनका छोटा सा मोटा सा सीपीयू। ठीक है, इनके पास ग्राफिक कार्ड के नाम पे एनवीडिया का GT730 है। ठीक है, जो कि अगेन काफ़ी पुराना जीपीयू है, काफ़ी तो नहीं पर मतलब है पुराना जीपीयू है, अभी के लिए जनरेशन के हिसाब से पुराना जीपीयू है। ठीक है, और ये रहा इनका पीसी जो कि इनका एक सॉलिड कैबिनेट है, मतलब वो जो कैबिनेट होता है ना जिसमें साइड पैनल विंडो वगैरह कुछ नहीं होती है, लेकिन इन्होंने अपना जो पंखा है जो सीपीयू का फैन है उसमें 8 GB लगाई हुई है। तो अब इस पंखे का ये क्या कर सकते हैं, तो इस पंखे का इन्होंने किया ये कि जो अपना जो लोहे का कैबिनेट है जिसका साइड पैनल है लोहे का सॉलिड लोहे का उसमें इन्होंने कटआउट मारे हुए हैं खुद से ताकि इनकी शोकेसिंग दिखे। आप खुद देख सकते हो वीडियो में इन्होंने कितना एफर्ट और कितनी मेहनत की हुई है। ठीक है, उसको 8 GB को दिखाने के लिए, तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया में लोगों को 8 GB का बहुत शौक है, लेकिन जो 8 GB दिखा नहीं सकता वो अपने जुगाड़ू लेवल से जुगाड़ू तरीके से 8 GB दिखाना चाहता है अपने पीसी में, जो कि इनके पीसी में साफ साफ दिख रहा है। भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सेटअप वॉर जीत जाएँ तो आपके खाते में ग्राफिक कार्ड भले ना आए लेकिन 8 GB स्ट्रिप तो पक्का है क्योंकि आपको 8 GB का शौक है जो कि मुझे वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो अपना आज का चौथा सेटअप आ रहा है सजील भाई की तरफ से। सजील भाई अगर आपका नाम सजील ही है तो ठीक है, वरना तो मुझे माफ़ कर दो आपका नाम मैंने गलत लिया। तो इनके पास जो सीपीयू है वो है पेंटियम का G3260 है। ठीक है, तो ये जो है हैसवेल जनरेशन का पेंटियम G3260 यूज़ करते हैं, 22 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और इनका जो सिनेबेंच का स्कोर है वो आता है 233, ओपन जीएल में आता है 13.76 FPS। ठीक है, और ये जो यूज़ करते हैं ये शायद एक टीवी को यूज़ कर रहे हैं एज अ मॉनिटर, HDMI केबल से ये एक टीवी को यूज़ कर रहे हैं एज अ मॉनिटर जबकि जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, और बाकी तो इन्होंने काफ़ी खर्चा किया हुआ है अपने सेटअप वगैरह में। ठीक है, तो इन्होंने अपने सेटअप में काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है और ग्राफिक कार्ड के नाम पे इन पर कुछ नहीं है, ये इंटेल एचडी ग्राफिक्स ही यूज़ कर रहे हैं अपने इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं केबल मैनेजमेंट इनका भी कुछ खास नहीं है, भाई थोड़ा बहुत केबल मैनेजमेंट में ध्यान दीजिए, थोड़े बहुत जितनी बड़ी बड़ी केबल्स हैं उनको साइड में कर दीजिए ताकि आप थोड़े आपके जो भी स्टॉक कूलर्स को थोड़ी बहुत हवा मिले कुछ खाने के लिए। ठीक है, और एक ग्राफिक कार्ड हो सके तो लगा लीजिए कोई अच्छा सा, हो सकता है आप RX 550 जो अपना विनर में है वो जीत जाओ, क्या पता ना भी जीतो, उम्मीद रखो पक्का जीतोगे, नहीं भी जीते तो बुरा मत मानना। और ये अपने टीवी पर ही पबजी मोबाइल भी खेल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ख़तरनाक है, और एक बड़ी स्क्रीन पे खेलने का मज़ा कैसे लेना है वो आप इन भाई से सीखिए। हालांकि अगर एक आपका हाई एंड सिस्टम है, इनका तो चलिए इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला सिस्टम है, लेकिन अगर आपका एक हाई एंड सिस्टम है तो मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप एक टीवी को यूज़ करें एज अ मॉनिटर, ऐसा मत करना। इनका तो चलो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला है तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब अपना सबसे ख़तरनाक आखिरी सेटअप जो कि हम जा रहे हैं देखने के लिए, जो कि आता है टीपी टैक्टिक्स भाई की तरफ से। इनके जो स्पेक्स हैं वो मैं बता देता हूँ, इन्होंने जो पार्ट लिया है वो लिया है स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंट क्रिएशन पीसी में। ठीक है, इनकी स्पेक्स है i7 7700 के, जिनको इन्होंने 5 GHz पे ओवरक्लॉक किया हुआ है क्योंकि ये कंटेंट क्रिएशन पीसी है, तो इनको ग्राफिक कार्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना था, इसलिए इन्होंने एनवीडिया का GTX 1050 Ti लिया हुआ है, 4 GB OC एडिशन नॉर्मली। ठीक है, ताकि जब इनको थोड़ी बहुत माइल्ड गेमिंग वगैरह करनी हो, हल्की फुल्की गेमिंग, तो ये वो भी कर सके, 1050 Ti उतना कैपेबल है। ठीक है, मदरबोर्ड में ये यूज़ कर रहे हैं GigaWatt का अल्ट्रा गेमिंग वाईफाई प्लस, और रैम यूज़ कर रहे हैं 16 GB 3000 MHz की Corsair Vengeance। अब क्योंकि ये कंटेंट क्रिएशन पीसी है
तो मे बी ये लोग फोटोशॉप में काम करते होंगे, अडोबी प्रीमियर प्रो में काम करते होंगे, तो ज़्यादा रैम की ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है। फोटोशॉप में तो बहुत पड़ती है अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी 16 GB रैम है। इनको ज़्यादा कोर ज़्यादा थ्रेड चाहिए थे, तो अगर कंटेंट क्रिएशन पीसी बनाना था तो मैं वैसे तो Ryzen 7 रिकमेंड करता, लेकिन इन्होंने i7 भी लिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी चॉइस है, क्योंकि इस बार वाले i7 में इन्होंने दो दो कोर्स बढ़ा दिए हैं, तो एक अच्छी चॉइस बन जाता है i7। ठीक है, और इनका डुअल मॉनिटर सेटअप देख के अगर आप लालची नहीं बने, ठीक है, अगर आपको लालच नहीं आया इनके डुअल मॉनिटर को सेटअप देख के, तो भगवान आपका भला करे। पर हालांकि इनका कुछ गेमिंग सेटअप नहीं है, आप टेबल देख के अगर ये सोच रहे हो कि टेबल थोड़ी गंदी सी है, बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, इनका जो सेटअप है ये कंटेंट क्रिएशन पीसी है। शायद ये अपने वर्क के लिए इसे इस पीसी को बिल्ड किया इन लोगों ने, शायद ये एडिटिंग वगैरह पे ज़्यादा काम करते हैं, किसी और चीज़ पे काम करते हैं, इसलिए उन्होंने डुअल मॉनिटर सेटअप लगाया ताकि इन्हें ज़्यादा आसानी हो। एक गेमिंग सेटअप होता तो जरूर ये RGB वगैरह पे ध्यान देते, क्योंकि इनके कैबिनेट के अंदर मुझे RGB जलती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि इनके मदरबोर्ड में RGB है, PCI स्लॉट से लेकर रैम स्लॉट से लेकर हर जगह RGB लगी हुई है, तो इन्हें अलग से RGB स्ट्रिप लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद से देख सकते हो, गीगाबाइट का इनका ग्राफिक कार्ड है, गीगाबाइट का ही इनका मदरबोर्ड है, तो वो जो सिंक होता है ना, गीगाबाइट का क्या होता है, गीगाबाइट का क्या है, MSI का तो मिस्टिक लाइट फ्यूजन है ना शायद, गीगाबाइट का क्या है भाई, गीगाबाइट का नहीं, असूस का ऑरा, MSI का मिस्टिक सिंक, गीगाबाइट का RGB फ्यूजन, गीगाबाइट का RGB फ्यूजन है, तो गीगाबाइट के RGB फ्यूजन को ये लोग ये भाई यूज़ कर सकते हैं बड़ी खूबसूरती से, और खूबसूरत मदरबोर्ड, तो खूबसूरती आप देख भी सकते हो उस मदरबोर्ड की। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक इनका जो है वो लग रहा है, और कॉर्सियर वेंजेंस रैम 3000 MHz की भी काफ़ी अच्छी लग रही है, रेड कलर की है इनकी रैम। ठीक है, और डुअल मॉनिटर सेटअप तो भाई माशाल्लाह चार चांद लगा रहा है आपके सिस्टम में। बाकी कुछ सिस्टम स्पेक्स मुझे दिख नहीं रहे हैं यहाँ से, इन्होंने शायद एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी ली हुई है जो कि मुझे हल्की हल्की दिख रही है फोटो में, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, माउस भी इनका चीप सा है कुछ, लग तो चीप ही रहा है दूर से, हालांकि ज़्यादा स्पेक्स इन्होंने बताई नहीं है। एक पुराना मदरबोर्ड इनके वहाँ पड़ा हुआ है पीछे, जो भी इनका वो है शोकेस, उसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, और पुराना पावर सप्लाई वगैरह काट कूट के इन्होंने रखा हुआ है, शायद ये इनके पुराने पीसी का है, अब इन्होंने नया पीसी बिल्ड कर लिया। तो भाई आपकी एंट्री दर्ज हो चुकी है स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंट क्रिएशन पीसी में। अगर मैं आपको इनके डुअल मॉनिटर सेटअप का स्क्रीनशॉट दिखाऊं, तो इनको सिनेबेंच में सीपीयू की तरफ से मिलता है 1583 यानी 1583 CB, OpenGL में मिलता है 141.07 FPS। ठीक है, उसके बाद अगर हम टाइम स्पाइक की बात करें तो इन्हें 2585 यानी 2585 का स्कोर मिलता है टाइम स्पाइक में। भाई आपको फायर स्ट्राइक का स्कोर देना था पर कोई नहीं, आपने टाइम स्पाइक का दे दिया, ओपन जी एल से हम काम चला लेंगे। CPU इनका i7 8700 की है जो कि 5 GHz पे ओवरक्लॉक है, जो कि आप CPU की कोर स्पीड में यहाँ पे CPU Z के स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हो कि इनकी 5 GHz पे ओवरक्लॉक्ड है। ठीक है, इनका CPU और वोल्टेज दे रहे हैं 1.296 वोल्ट्स, हालांकि ये अभी आइडल पे है। ठीक है, आइडल पे ज़्यादा रहता है वोल्टेज, लोड पे कम हो जाता है। बिल्कुल मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग को सुनने में ऐसा लगता होगा कि जब CPU लोड पे जाता है तो उसका वोल्टेज बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोड पे कम हो जाता है, आइडल पे ज़्यादा रहता है। ऐसा मैं कभी और समझाऊंगा जब लोड लाइन कैलिब्रेशन में समझाऊंगा, क्योंकि मेरे मदरबोर्ड में लोड लाइन कैलिब्रेशन का टॉपिक, सॉरी टॉपिक कह रहा हूँ, ऑप्शन नहीं है, तो इस टॉपिक को मैंने कवर नहीं किया। कोई मदरबोर्ड आ जाए अपने हाथ में अच्छा खासा, तो लोड लाइन कैलिब्रेशन भी करके दिखाएंगे आपको। चलिए, मैं गलत टॉपिक पे गलत समय पे गलत वीडियो में आ गया। ठीक है, छोड़िए, 1050 Ti इनके पास है, आप देख सकते हो इनके पास गीगावाइट का 1050 Ti है। ठीक है, तो काफ़ी खतरनाक इनका पीसी है, और वीडियो तो आप देख ही सकते हो भाई साहब, मतलब आय हाय हाय हाय, ऐसा पीसी तो हर कोई दुआ करता है, लेकिन सबकी दुआएं पूरी नहीं होती ना, बात तो ये है। तो उन दुआओं को पूरा करने के लिए हमारे स्पॉन्सर है ना, उन दुआओं को पूरा करने के लिए हमारे स्पॉन्सर है, जिन्होंने अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड, अच्छे अच्छे गेमिंग कैबिनेट्स और ये सब आपके लिए इनाम में रखे हुए हैं। तो अगर आपने सेटअप वॉक में पार्ट नहीं लिया तो भाई अगली बार जब हम सेटअप वॉक करेंगे तब पार्ट ले लेना, क्योंकि अब तो भैया अपडेट हो चुकी है ख़त्म। आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऊपर कार्ड्स मैंने इन चारों बंदों के नाम दिए हुए हैं, आपको जिसका सेटअप पसंद आया उस पर ज़रूर क्लिक करें। आप चाहते क्या हैं, आप किसका सेटअप आपको बढ़िया लगा, ज़रूर मुझे ऊपर आई बटन में करके बताएं। और इस बात में मत जज करना इनके सेटअप्स को कि एक का ज़्यादा RGB है, एक का कुछ है, भाई जिसका पोटैटो है तो उसको तुम RGB वाले से कंपेयर मत करना, तो अपने हिसाब से चुन के बताना किस बंदे ने वैल्यू फॉर मनी पीसी बिल्ड किया है। वैल्यू फॉर मनी एक हर सेगमेंट के अंदर होता है। 8700 के जिस बंदे के पास है उसका बजट ज़्यादा होगा, जिसके पास एक क्या कहते हैं उसे, बजट कम है 30-40 हज़ार का, उसके पास एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का सिस्टम होगा। तो आपको उनमें से किसका सेटअप अच्छा लगा, किसका है वो बढ़िया से, अपने टिपी टेक्टीएस भाई का, ब्लड मास्टर का, हेमंत हर्षित का, लालू भाई का या सजील भाई का, तो ज़रूर से मुझे ऊपर आई बटन में कार्ड जो मैंने पोल दी हुई है वहाँ पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद, बाय बाय, और शायद आपका सेटअप किसी और यूट्यूबर की वीडियो में आ जाए, तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनका चैनल चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।